Hello, first class kids. Kids, I am once again here. Kids, today we are going to learn GK. So, take out your GK book. Lesson number 24 in the sky. Lesson number 24 in the sky. Okay. So, let's start. The sky is above us, we can see many things in the sky. ओके रेकोगनाइज द फॉलोइंग थिंग्स इन द स्काई ओके कि स्क्या स्काई कहाँ है बहुत ज़्यादा ऊपर ठीक है धरती से बहुत ज़्यादा ऊपर वी कैन सी मैनी थिंग्स इन स्काई हम क्या है बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कहाँ देखते हैं आसमान में स्काई क्या हो गया आसमान में ओके रेकोगनाइज द फॉलोइंग थिंग्स इन द स्काई ओके फर्स्ट आई कैन चेंज माई शेप इन द स्काई एट नाइट आई एम द नाइट में क्या होता है स्काई में क्या देखते हो आप नाइट में मून मून अपनी शेप चेंज करता है ना डेली उसकी शेप क्या होती है चेंज होती है ठीक है सेकेंड आई एम वेरी बिगर देन द अर्थ आई एम वेरी हॉट एंड ब्राइट आई एम अ स्टार बट यू कैन नॉट सी मी एट नाइट ओके क्या है सबसे बड़ा धरती से भी बड़ा क्या है बहुत ज्यादा गर्म चमकता है और स्टार भी है लेकिन वो हमें रात में नजर नहीं आता हम उसे रात में नहीं देख सकते क्या है आई एम द सन सन देखते हो ना बहुत ज्यादा हॉट है और ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा क्या है बड़ा है है ना और बहुत ज़्यादा ब्राइट है इसकी चमक है आप इसको सीधा नहीं देख सकते देख सकते हो नहीं देख सकते ना इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है हॉट बहुत ज़्यादा है है ना तो ये क्या है एक स्टार है और ये हमें नाइट में नहीं डे में दिखाई देता है ओके ओके क्या दिखाई देता है डे दे में हमें सन नंबर थर्ड आई लव सेवन कलर्स टाइम्स इन द स्काई आफ्टर अ शॉवर ऑफ रेन आई एम अ जब रेन होती है है ना रेन होने के बाद हमें स्काई में क्या नजर आता है क्या नजर आता है जिनमें सेवन कलर्स होते हैं आई लव आपने देखा है वो रेनबो देखा है किस किसने देखा रेनबो रेनबो ओके जिनमें सेवन कलर्स होते हैं देखा होगा आपने रेन के बाद कई बार हमें आसमान में क्या नजर आता है एक जिसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष ठीक है एक बहुत सारे कलर्स नजर आते हैं लाइट लाइट कलर होते हैं डार्क होते हैं है ना तो वो क्या होता है रेनबो क्या होता है रेनबो ओके आर ए आई एन रेन बी ओ डब्ल्यू रेनबो अंडरस्टैंड ओके नेक्स्ट लुक अप वेन आई एम डार्क एंड ऑल ओवर द स्काई यू नो इट विल रेन आई एम अ बहुत ज्यादा डार्क क्या होते हैं घने स्काई में जब रेन होती है तो क्या होता है आसमान में क्या होते हैं क्लाउड्स क्या होते हैं क्लाउड्स ओके okay? तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे आई एम अ क्लाउड सी एल ओ यू टी क्लाउड ओके नेक्स्ट वी लुक वेरी स्मॉल बिकॉज वी आर फार अवे यू कैन सी अस एट नाइट वी आर द स्टार्स वी आर द स्टार्स ओके नाइट में हमें क्या नजर आता है स्टार्स ओके वी आर द स्टार्स अंडरस्टैंड समझ में आ गया आप सभी को ओके थैंक यू